ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। झारखंड के सरायकेला खरसवान जिले के धातकीडीह गांव में पिछले बुधवार को एक 24 वर्षीय तबरेज अंसारी की चोरी के शक में भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगवाए और इस तरह से पिटाई की कि तबरेज की मौत हो गई। देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ते ही जा रही है। इसी तरह ताजा मामला मुंब्रा का है, जहाँ मुंब्रा के डोंगरे नगर मुस्तफा अपार्टमेंट में रहने वाले एक 24 वर्षीय फैसल खान कि तीन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और बेरहमी से उसकी पिटाई की। ये घटना शनिवार की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच दीवा में हुई। मॉब लिंचिंग जैसी घटना दीवा में सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। फैसल खान ओला टैक्सी चालक है। वह दीवा रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर बिठाकर आगे बढ़ा, उसी वक्त फैसल की टैक्सी बंद हो गई, जिसके बाद नशे की हालात में तीन युवक आए और फैसल की रास्ते में बंद हुई टैक्सी को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि फैसल की बेरहमी से पिटाई तीनों युवक करने लगे। इस पिटाई के दौरान जैसे ही फैसल ने अल्लाह कहा तो तीनों युवक और भड़क गए। पूछा, तू मुस्लिम है? इसके बाद जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। नशे की हालत में फैसल की पिटाई की और जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। यही नहीं, तीनों युवकों ने पैसेंजर की भी पिटाई की, मगर बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया। शुक्र है कि जैसे तैसे फैसल खान अपनी जान बचाकर भागा और इसकी जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन को दी। हालांकि पहले फैसल ने सिर्फ मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने 151 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को लॉकअप में डाल दिया था। मगर जब बाद में घर वालों को फैसल ने बताया कि मारपीट के दौरान उसे जय श्री राम बोलने को कहा गया, जिसके बाद घर वालों ने यह जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड को दी। इस घटना के बारे में फैसल ने क्या कुछ बताया है, हम आपको सुनाते हैं। मैं दीवा में था, न्यू बुकिंग के लिए मेरा डिवाइस ऑन था, तो मुझे न्यू बुकिंग आती है, मैं निकलता उधर से पैसेंजर के पास, मतलब लोकेशन पे जाने के लिए निकल गया उधर से। मैं पहुंचता हूँ उधर, कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचता हूँ, कस्टमर राइट साइड में खड़े रहता है, मैं लेफ्ट से वो लोग के पास पहुंचता हूँ, यू टर्न मारता हूँ राइट में जाने के लिए, तो मेरा गाड़ी बंद हो जाता है। तो पैसेंजर आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और मुझे OTP नंबर वो सब देने लग जाते हैं। तो उतने में बस दो ही नंबर मैंने डाला रहूँगा OTP नंबर, उतने में दो तीन लोग आते हैं पीछे से स्कूटी पर, तीन लोग आते हैं पीछे से और मुझे गाली देने लग जाते, कुछ बात नहीं करते मेरे साथ में, गाली देने लग जाते। वो लोग शराब के नशे में थे, मुझे गाली देने लग जाते और बोलते तेरे बाप का रोड है क्या, ऐसी गाली देने लग गए। मैं देखा वो लोग को शराब के नशे में थे, तो मैं वो लोग को बात करना मुनासिब नहीं समझा, मैं वो लोग से मैं सॉरी बोला और गाड़ी उनकी तसल्ली के लिए थोड़ा आगे ले लिया। और पहले मारता है, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, मुझे फिर लात लात से मारना चालू कर देता है। फिर वो जो दो बैठे थे गाड़ी पर वो भी दोनों आए उतर कर, एक उनमें से मेरा लेफ्ट का दरवाज़ा खोलता है, मुझे लेफ्ट साइड से मारने लग जाते हैं। और जो तीसरा बंदा था वो लोग गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला रहा था वो आता है उतर कर, मेरी गाड़ी में पैसेंजर बैठे थे वो लोग को निकाल कर मारने लगता है। वो लोग को मारा, वो लोग तो भाग गए, और फिर वो लोग भाग गए तो ये तीनों भी मुझे मारने लग गए, मुझे मारे बेरहमी से मारे बहुत। और एक बंदा उसमें से जाता है, गाड़ी की डिग्गी खोलता है, उसमें से मेरा मोबाइल भी निकाला, उसमें से लेफ्ट का जो दरवाज़ा खोल के आया था उसने मेरा मोबाइल निकाला, और फिर उसी ने गाड़ी की डिग्गी में से रॉड दिया, फिर वायर की तरह कुछ हथियार था वो निकाल कर लाया और उससे मुझे मारने लगा। मेरे सर पर इधर लगा था, वो मुझे मारने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो लोग को बोला मत मारो, मुझे ऐसा बोल रहा था, मैं ऐसा बोला वो लोगों को। फिर उतने में मेरे मुंह से निकला कि मुझे अल्लाह के वास्ते मत मारो, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा पकड़ लिया था यहाँ पर सीने में कि मुझे अल्लाह के वास्ते मत मारो, मुझे कुछ हो जाएगा, तू अल्लाह है, मुझे गाली दी गंदी, ऐसा बोल के अल्लाह अल्लाह बोल के गाली दी गंदी, और बोलता है तू मुसलमान है? मैं बोला हाँ मुसलमान हूँ। तो वो सामान उसके हाथ से ले लिया था उसने, वो सामान से फिर मारने लग गया मुझे कि जय श्री राम बोल,
ऐसा बोल के मारने लग गया मुझे। पुलिस में शिकायत की सर, पुलिस ने एक्शन लिया है सर, अच्छा एक्शन लिया है पुलिस ने। बहरहाल मुंब्रा पुलिस ने दीवा आगासन के रहने वाले तीनों आरोपी चंद्रकांत मुंडे 30 वर्षीय, अनिल राजा राम सूर्यवंशी 22 वर्षीय, जयदीप नारायण मुंडे 26 वर्षीय को 295A 392 323 504 506 34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इन तीनों आरोपियों को 29 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरी घटना की मुंब्रा पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।